देखो, प्रपोज के मामले में लड़कियाँ चार तरह की होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं, चार तरह के ह्यूमन नेचर होते हैं। चार तरह के नेचर की लड़कियों को चार तरह से प्रपोज करना चाहिए। ज़्यादातर मामले में हम ये सोचते हैं प्रपोज ही तो करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं मेरे भाई, प्रपोज बड़े ही समझदारी से करना चाहिए। प्रपोज लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अलग अलग नेचर की लड़कियों को अलग अलग प्रपोज करना चाहिए। सिर्फ आई लव यू बोल देने से लड़की नहीं पड़ जाती। जैसा कि हम जानते हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, ये चार नेचर की लड़कियां होती है। सबसे पहले हम देखते हैं वायु की लड़की को कैसे प्रपोज करें। वायु की लड़कियां फैशनेबल होती है, ये पार्टी करना, घूमने जाना, नए नए फैशन अपनाना इनको पसंद होता है। ये वो लड़कियाँ होती हैं जिनको पैसों से फ़र्क पड़ता है। इनको प्यार में इंजॉय चाहिए होता है। इनको वो लड़के पसंद होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। इनके सामने जाकर पैसों की बात करो, ये खुद तुम्हें प्रपोज कर देगी। इन लड़कियों में दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सपनों में जीती है। इन लड़कियों को प्रपोज में पैसों, ऐश, पार्टी की बात होनी चाहिए। जैसा आप इनको कहो, मेरे पापा का बिजनेस संभालता हूँ, मैं सैटरडे संडे पार्टी करता हूँ और घूमने जाता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, हम दोनों साथ में ऐश करेंगे। इन लड़कियों को प्रपोज करते वक्त अच्छा कार या बाइक लेकर जाओ, ऐसे कपड़े पहनो जो महंगे दिखें, हाथ और गले में गोल्डन ब्रेसलेट या चेन होना बहुत ज़रूरी है। अब पृथ्वी प्रकृति पर आ जाओ। पृथ्वी की लड़कियाँ इमोशनल होती है, इनको सच्चा प्यार करने वाला लड़का चाहिए होता है। ये लड़कियाँ किसी का दुख नहीं देख पाती, ये किसी भी रिश्ते को लाइफ टाइम के लिए देखती है। ये समझदार होती है, इनको रिश्तों में ईमानदारी चाहिए होता है। इन लड़कियों के पास जाओ, इनको बताओ आपको एक लड़की ने धोखा दिया है। इनसे कहो, सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं, सभी धोखा देती हैं, पूरा इमोशनल ड्रामा शुरू कर दो। वो आपसे पूछे, क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो, सभी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। सो सीधा उससे पूछ लो, तुम बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड। अब अग्नि पर आ जाओ। अग्नि की लड़कियाँ बहुत ही प्रैक्टिकल होती है, ये तुम्हें देखकर ही समझ जाती है कि तुम्हारे दिल में क्या है। ये लड़कियाँ अपने टारगेट को लेकर बहुत पैशनेट होती है। ये लड़कियाँ उन्हीं से प्यार करती हैं जो इनके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करें या सेम फील्ड के हो। आपने देखा होगा अगर लड़की को टीचर बनना है तो वो टीचर से प्यार कर लेती है, इनको सेम फील्ड वाले पसंद होते हैं। इन लड़कियों को प्रपोज करते वक्त ये दिखाओ कि आपकी गर्लफ्रेंड बनकर उनको क्या फ़ायदा होगा। आप जाकर उनसे कहो, देखो इस कॉलेज में मेरा बहुत चलता है, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो तुम्हें कोई क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सारे नोट्स और स्टडी मटेरियल ऐसे ही मिल जाएगा। अब जल पर आ जाओ। जल की लड़कियों को प्रपोज नहीं करना चाहिए, ये ना आपको हाँ में जवाब देगी ना में, बस ये चुपचाप बैठी रहेगी। इनको जाकर बोलो, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। इनको ज़बरदस्ती वाला प्यार पसंद होता है, इनसे थोड़ा सा ज़बरदस्ती करो। चारों नेचर की लड़कियों को प्रपोज करने से पहले उनसे दोस्ती ज़रूर कर लें। लड़की या किसी अनजान लड़के को हाँ नहीं कहती। हमें दोस्तों से ही प्यार होता है, हमें पहले दोस्ती कर लेना चाहिए। ये वीडियो जब 100K व्यू हो जाएगा तब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट, चार नेचर की लड़कियों से दोस्ती कैसे करना है, चार नेचर की लड़कियों का पहचान क्या है, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा।